इंडियन न्यूज 24 आवर। इमेज कॉपीराइट गेटी इमेजेस। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीटों पर टिकट बंटवारे के बाद आम आदमी पार्टी में घमासान जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय की ओर से आरोप लगाया गया कि पार्टी नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की थी। जवाब में कुमार विश्वास ने गोपाल राय को पार्टी का कटप्पा बताते हुए कहा कि इस माहेश्वरी साम्राज्य की शिवगामी देवी कोई और है, वह यहां मशहूर फिल्म बाहुबली के किरदारों के जरिए आरोप लगा रहे थे। फिल्म में कटप्पा माहेश्वरी साम्राज्य का वफादार सेनापति है जो शिवगामी देवी के हर आदेश का पालन करता है। किम जोंग से दुनिया परेशान। कुमार विश्वास ने अपने बयान में कहा, दिल्ली के विधायक और मंत्री गोपाल राय की आज 7 महीने बाद कुंभकर्णी नींद जागी है। पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल इस माहेश्वरी की शिवगामी देवी कोई और है। हर बार नए कटप्पा पैदा किए जाते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि नए कांग्रेस और भाजपा से आए हुए जो गुप्ताजे हैं उनके योगदान का कुछ दिन आनंद लें। कुमार विश्वास, जवानी में ही आपके आडवाणी बन गए शहीद तो कर दिया अब मेरे साथ। इमेज कॉपीराइट गेटी इमेजेस। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजे जाने के लिए संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता के नाम तय किए हैं, लेकिन आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे अपने नेताओं की अनदेखी करके बाहरी गुप्ताओं को चुनने के लिए पार्टी की आलोचना भी हो रही है। सबसे अधिक विवाद कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस छोड़ पार्टी में आए सुशील गुप्ता के नाम पर है। कुमार विश्वास भी अपनी अनदेखी किए जाने से नाराज हैं। उन्होंने कहा, अब मेरे शव के साथ छेड़छाड़ न करें। पिछली बार बाबरपुर में रैलियां करके मैं उन्हें गोपाल राय जितवाने गया था, इस बार सुशील गुप्ता जी की रैली कराएं, वहां से सांसद बने, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा, किम जोंग ने बहुत तंग कर रखा है विश्व को, लगे हाथ वो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भी बन जाएं, थोड़ा विश्व शांति भी हो जाएगी। गोपाल राय ने विश्वास पर लगाए आरोप। इमेज कॉपीराइट गोपाल आर्य IFACEBOO के इमेज कैप्शन। गोपाल राय इससे पहले गुरुवार को गोपाल राय ने फेसबुक लाइव के जरिए कुमार विश्वास पर पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, जब पार्टी जीत कर दिल्ली की सत्ता में है तो हमने राज्यसभा जाने वाले नामों पर विचार किया था। इन नामों में सबसे पहला नाम कुमार विश्वास का ही था। यह बात उन्हें बता भी दी गई थी, लेकिन MCD चुनाव के बाद जिस तरह सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया, उन्हीं चुनावों के दौरान कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल पे हमला किया। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि पार्टी को लगातार गिराने की साजिशों के केंद्र में कुमार विश्वास थे। कुमार विश्वास की पार्टी नेतृत्व से तनातनी अब साफ है, लेकिन अब तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है और न ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है। BBC हिंदी के एंड्रॉइड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं।